और जेडीयू के झारखंड प्रभारी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कांग्रेस की मंशा होती तो चार राज्यों में बीजेपी की जीत नहीं होती। दरअसल अशोक चौधरी रांची में आयोजित जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कांग्रेस के प्रति उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि जांच एजेंसी को आम जनता के सक्षम अपनी बात माफ कीजिएगा आम जनता के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन ऐसे में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर अशोक चौधरी ने कहा है कि राम सबके हैं, जिसको जब मन हो जाएगा वहां पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि दुख इस बात की है कि भगवान राम को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। अब कहीं पर बुलाएंगे जदयू को लगेगा कि हाँ हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो पार्टिसिपेट करें। जेएमएम रहेंगे यात्रा, जेएमएम चाहेगी कि हाँ हम रहें तो रहेंगे। प्रभारी जी झारखंड में जिस तरीके से हमारे उनसे व्यक्तिगत संबंध है, बहुत पुराने संबंध हैं और हमारे स्कूल कॉलेज के मेरे साथी हैं, तो हमारा वो व्यक्तिगत संबंध है। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि हाउ द पीपल ऑफ इंडिया इज फीलिंग दैट द ईडी एंड सीबीआई इज नॉट ट्रांसपेरेंट।